और प्रमोटर्स ओन एंटिटी डिटी एज पर द लॉ कंपनी के जो प्रमोटर्स है दे हैव टू मैंशन ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन इन द एनुअल रिपोर्ट तो आपको एनुअल रिपोर्ट से सारी इन्फो मिल जाएगी लेकिन उसके लिए हमें एनुअल रिपोर्ट को काफी अच्छे से एनालाइज करना होगा अगर हम केयरफुली एनालाइज करेंगे तो इससे अपन पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रमोटर्स कुछ ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे जो कि अनफेवरेबल है फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर हमने ये पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया है तो वी कैन प्रिवेंट आरसेल्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज एंड वी कैन प्रिजर्व आर कैपिटल तो इसलिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है एंड ऑल्सो ज़रूरी है कि हम उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से पढ़ें हम लाइव एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि वॉट आर वेरियस फेस इन विच प्रमोटर्स कैन एक्चुअली डू समथिंग विच इज़ नॉट फेवरेबल टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पहले टाइप का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखते हैं सपोज़ एक सपोज़ एक कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो लोन दे रही है किसी प्रमोटर को इसमें क्या होता है कि अगर आप कि अगर सपोज प्रमोटर की कोई प्राइवेट कंपनी है उसको अगर मार्केट से लोन लेना है तो वो बैंक के पास जाएगी या एन के पास जाएगी तो उस केस में उसको ऑन एन एवरेज एट टू नाइन परसेंट इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा लेकिन प्रमोटर अपनी प्राइवेट कंपनी के लिए लिस्टेड कंपनी से लोन ले रहा है एट एट लेस देन मार्केट रेट देन इट इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट इज नॉट फेवरेबल टू अदर शेयर होल्डर्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी बिकॉज वो लिस्टेड कंपनी का पैसा है और उस पर सब शेयर होल्डर्स का राइट है इंक्लूडिंग प्रमोटर एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर वो पैसा लिस्टेड कंपनी किसी प्राइवेटली ओन कंपनी को एक या दो परसेंट इंटरेस्ट पे लोन दे रही है तो वो फेवरेबल नहीं है फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे मैंने कंपनी का नाम लिखा है फॉर ऑबियस रीज़न में मैं वो आपको दिखा नहीं सकता अगर आप एक लिस्टेड कंपनी जिसका नाम मैं आपको ऑब्वियस रीज़न से नहीं बता सकता उसके एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वाली कंपनी देखने को मिलेगी ट्रांजेक्शन का अगर आप नेचर देखेंगे तो वो है लोन मतलब कि लिस्टेड कंपनी ने इस कंपनी को 10.25 करोड़ का लोन दिया है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट नोट करने करने वाली बात यह है कि नो इंटरेस्ट इज़ चार्जड ऑन अबव लोन मतलब इस लोन पे कोई इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं किया जा रहा है अगर आप 10.25 करोड़ का एफडी भी करेंगे तो उसमें भी फोर या फाइव परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और टाइम के साथ साथ इस टेन uh, की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होगी तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए फॉर द इन्वेस्टर्स एक एग्जांपल और देखते हैं जहां लोन वाज गिवन एट चीप रेट आप अगर इस सेक्शन में जाएंगे इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो आपको दिखेगा के यानी कि की मैनेजमेंट पर्सनल की मैनेजमेंट पर्सनल में कौन है ये इन्फॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट्स में रहती है जनरली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन के पास में ही तो हमें वो देखना चाहिए कि के में कौन कौन है क्या उसमें प्रमोटर्स भी मेंशन है उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन को एनालाइज करना चाहिए तो अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो 5.1 करोड़ का लोन इस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आएगा लिस्टेड कंपनी को इसमें तीन चीज़ें हैं लोन किस दिया है सीधा प्रमोटर के नाम पर दिया है या किसी प्रमोटर के फैमिली मेम्बर को दिया है या फिर प्रमोटर की प्राइवेटली ओन्ड कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जिसमें प्रमोटर का हाई uh, इन्फ्लुएंस है तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रोमोटर की कंपनी को 5.1 करोड़ का लोन दिया है और इंटरेस्ट में देखेंगे तो 10 लाख आ रहा है। इस हिसाब से 2 परसेंट का इंटरेस्ट रेट बैठता है तो ये मार्केट रेट से भी काफ़ी कम है अगर इस पैसे को एफ में भी डालेंगे तो काफ़ी ऑलमोस्ट अराउंड टू या थ्री परसेंट लिस्टेड कंपनी को फायदा होगा एक और चीज़ यह है कि अगर प्रमोटर को लोन दे दिया या प्रमोटर की प्राइवेट कंपनी को लोन दिया तो बाद में वो लोन राइट ऑफ कर दिया गया ये बोल के कि कंपनी वो लोन वापस नहीं चुका सकती अब वो प्राइवेट कंपनी है तो वो पैसा कहाँ गया कैसे यूटिलाइज हुआ वो किसी को पता नहीं इन सिंपल टर्म्स पैसा प्रमोटर को दिया और वो पैसा गायब हो गया अब यहाँ पे लोन्स टू रिलेटेड पार्टीज तो इसका मतलब कोई भी हो सकता है कि यानी की मैनेजमेंट पर्सनल फैमिली मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल या उसकी कोई प्राइवेटली ओन कंपनी इन विच प्रमोटर्स हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इनमें से कोई भी सो so, ये एग्जांपल में सपोज 10.89 करोड़ का लोन लिया है और उसके बाद उसके बाद में अलाउंस कर दिया गया इस लोन का मतलब कि ये डिक्लेयर कर दिया गया कि प्राइवेटली ओन कंपनी इज नॉट एबल टू पे बैक दिस लोन हमने अभी तक देखा था लोन्स टू प्रमोटर्स अब हम देखेंगे लोन्स फ्रॉम प्रमोटर्स टू पब्लिक कंपनी मतलब प्रमोटर मतलब, तो कंपनी को लोन दे रहे हैं इसमें अनफेवरेबल चीज़ ये है कि प्रमोटर काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं मतलब सपोज़ कोई पब्लिक कंपनी है उसको लोन चाहिए तो वो बैंक के पास जाएगी और वहाँ उसको अप्रॉक्सीमेटली एट टू नाइन परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा लेकिन अगर प्रमोटर कंपनी को लोन दे रहा है और वो अगर सिग्निफिकेंटली हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 14 या 15 परसेंट तो वो काफ़ी अनफेवरेबल है और इससे पब्लिक कंपनी को नुकसान होगा तो इससे बचने के लिए इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल में स्टेटमेंट में नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ हम देखेंगे कि कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी करोड़ का लोन लिया है इसके दो पार्ट्स हैं एक तो कंपनी ने एन से लोन लिया है अप्रोक्सीमेटली 8.2 परसेंट के इंटरेस्ट पे और सेकंड है फोर्टीन परसेंट प्रमोटर से लोन लिया है तो प्रमोटर ने मार्केट रेट से ज़्यादा चार्ज किया है और ये एक नोट करने वाली बात है तो इन्वेस्टर्स के लिए ये सोचने वाली बात है कि कोई फोर्टीन कोई कंपनी फोर्टीन परसेंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन क्यों लेगी थर्ड इज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू प्रमोटर्स सपोज प्रमोटर से कोई भी ऑफिस प्रेमेस या जमीन आ, या बिल्डिंग रेंट पे ली लिस्टेड कंपनी ने तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट देना पड़ेगा लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट इतना ज़्यादा होता है कि वो कोई सेंस नहीं बनाता अब इस एग्जांपल में रेंट पेड टू के एम पी इज़ इलेवन लैख और सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो दिया है वो टू करोड़ ट्वेंटी लैख तो ये ऑलमोस्ट ट्वेंटी टाइम्स ज़्यादा है नॉर्मली क्या होता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है वो रेंट का फाइव या सिक्स टाइम्स ज़्यादा होता है तो इससे ये एक इंटरप्रिटेशन ये निकाल सकते हैं कि प्रमोटर ने कंपनी से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया और उससे प्रॉपर्टी खरीदी और उसी प्रॉपर्टी को कंपनी को फिर से रेंट पर दे दिया तो ये एक इंटरप्रिटेशन uh, है और कई बार ये होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री होता है मतलब uh, ये जो टू करोड़ ट्वेंटी लैख है वो पड़ा 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 रहेगा और प्रमोटर उसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकता है फोर्थ इज कंपीटिंग बिजनेस बाय प्रोमोटर्स मतलब जो लिस्टेड कंपनी है उसी लाइन में बिजनेस में प्रमोटर ने अपनी प्राइवेट कंपनी चला रखी है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा जैसे कोई कस्टमर लिस्टेड कंपनी के पास आ रहा है प्रोमोटर उस कस्टमर को प्राइवेट कंपनी की तरफ राउट कर देगा क्योंकि उससे उसको क्या फायदा होगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी इज़ हंड्रेड परसेंट ओन्ड बाय प्रमोटर वेयर एज पब्लिक जो लिस्टेड कंपनी है वो उसकी हंड्रेड परसेंट ओन्ड नहीं होगी तो उसमें जो प्राइवेट uh, कंपनी से जो पूरा प्रॉफिट आएगा वो पूरा का पूरा प्रमोटर की जेब में जाएगा तो हमने क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट से ये स्नैपशॉट लिया है प्रमोटर आल्सो प्रमोटेड अ प्राइवेट कंपनी विथ सम नेम टेक्निकल प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड विच इज आल्सो एंगेज इन द सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस बोथ दिस कंपनीज आर ऑपरेटेड बाय कॉमन मैनेजमेंट टीम एंड हैव बिजनेस लिंकेजेस फिफ्थ सिनेरियो ये है कि कई बार प्रमोटर की प्राइवेट कंपनी है वो बैंक से लोन लेती है और उसकी गारंटी देती है पब्लिक कंपनी सपोज अगर प्रमोटर ओन प्राइवेट कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है प्रमोटर इस इंजॉइंग रैली ग्रुप प्रॉफिट्स तब तक ठीक है लेकिन अगर कल को कुछ गड़बड़ हुई और प्राइवेट कंपनी बैंक्रप्ट हुई तो उस केस में नुकसान पब्लिक कंपनी को होगा बिकॉज उन्होंने गारंटी दे रखी है जब तक प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट्स आ रहे हैं तब तक पब्लिक कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है लेकिन जब उसी प्रमोटर ओं प्राइवेट कंपनी का नुकसान होता है या बैंक हो जाती है और लोन रीपे नहीं कर पाती है तो उसका नुकसान पब्लिक कंपनी को उठाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द गारंटी पब्लिक कंपनी हैज़ गिवन दिस इज़ एन एग्जांपल फ्रॉम क्यू डॉक्यूमेंट क्यू डॉक्यूमेंट है एक कंपनी का उसमें हमने ये एग्जांपल लिया है तो कंपनी इज अंपनी को बोर इन रिलेशन टू लोन अवेल्ड बाय द प्रोमोटर कंपनी हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड कॉपरेट गार्टीज एंड कंपनी ओन्ड प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी टू लेंडर्स सिक्स सिनेरियो ये काफ़ी देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल कोई लिस्टेड कंपनी है और वो प्रमोटर्स को कुछ आ, एसेट सेल करती है या फिर उससे कुछ खरीदती है तो उसमें उस केस में प्रमोटर्स के लिए काफ़ी इजी हो जाता है उसको मैनिपुलेट करना वो एसेट को कंपनी लिस्टेड कंपनी को काफ़ी हाई प्राइस में सेल कर सकता है या उससे खरीद सकता है काफ़ी लो प्राइस में ये एग्जाम्पल हमने लिया है एक एनुअल रिपोर्ट से और ऑन मार्च 2017 कंपनी एक्वायर्ड 51 परसेंट ऑफ़ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ सम सॉफ्टवेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम हम आपको ऑब्वियस रीजन से नहीं बता सकते अब अभी कैसे पता पड़ा कि ये प्राइवेटली ओन कंपनी है तो एनुअल रिपोर्ट में एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एंटरप्राइज ओन बाय की मैनेजमेंट पर्सनल्स वहाँ से आपको पता पड़ेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है दैट दैट इज ओन्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनी सो वाई रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट वी गेट टू नो दैट लिस्टेड कंपनी हैज एक्वायर्ड फिफ्टी वन परसेंट स्टेक एट फिफ्टीन पॉइंट थ्री करोड़ तो जो वैल्यू लगाई है उस कंपनी की वो ऑलमोस्ट लगाई है थर्टी वन करोड़ तो ये हम तो हमको ये कहाँ से पता चला एनुअल रिपोर्ट में गुडविल सेक्शन में हमने ये देखा कि कंसिडर्ड uh, ट्रांसफर्ड इस 15.3 करोड़ और उस 15.3 करोड़ के बदले में लिस्टेड कंपनी को मिले हैं अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के एसेट सो तो सिर्फ 20 लाख के एसेट के लिए 15 करोड़ रुपीस दिए तो प्राइस टू बुक हुआ 73 जो कि बहुत हाई है यहाँ एक डाउट आ सकता है कि ये जो कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और सॉफ्टवेयर कंपनी में यूजुअली एसेट कम ही होते हैं तो इसके लिए हम इसका इसकी अर्निंग्स देखेंगे तो अगर हम इसकी अर्निंग्स देखते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है वाइल्ड रीडिंग द एफ आई एनुअल रिपोर्ट वी गेट टू नो दैट एक्वायर्ड प्राइवेट एंटिटी हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड अ प्रॉफिट ऑफ ओनली अराउंड वन लैक टू द कॉन्सोलीटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी तो अगर अब इसका प्रॉफिट भी हम देखेंगे तो सिर्फ एक लाख का प्रॉफिट है अब एक लाख के प्रॉफिट के लिए फ़िफ्टीन करोड़ दे, दे कोई कंपनी दे रही है और उसकी वैल्यू लगा रही है थर्टी करोड़ तो ऑब्वियसली देर इज समथिंग रॉन्ग और इसका अगर फिफ्टी वन परसेंट हम निकालेंगे एक वन लैख का तो वो होगा फिफ्टी वन थाउजेंड तो मतलब फिफ्टी वन थाउजेंड के प्रॉफिट के लिए कंपनी ने दिए है फिफ्टीन करोड़ आपको नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये प्रॉफिट के बारे में पता चलेगा और वहाँ से ये भी पता चलेगा कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में है ज़ीरो परसेंट

बट अगर हम लिस्टेड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे पिछले साठ आठ सालों की तो उसमें दिखता है कि 2010 की एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड पार्टी में इस प्रमोटर ओन्ड प्राइवेट कंपनी का नाम है तो हम ये मान सकते हैं कि तब से कंपनी ऑपरेट कर रही है हो सकता है ये उससे पहले इनकॉपरेट हुई हो बट हम ये मान के चलते हैं कि सिंस 2010 की एनुअल रिपोर्ट से मेंशन है तो तभी इनकॉपरेटेड हुई होगी तो अब अगर 2010 से अभी तक देखें तो इतने साल ऑपरेट करने के बाद भी ये हार्डली कोई प्रॉफिट बना पा रही है तो ये जो वैल्यूएशन लगाई है इस कंपनी की हमें नहीं लगता कि ये जस्टिफाइड है तो इस कंपनी ने ना सालों से कुछ ज़्यादा ज़्यादा अर्न करके दिया है ना इसका कुछ फ्यूट फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है तो क्या सोच के इसको 15 करोड़ में इसके 51 परसेंट स्टेक खरीदे तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी सोचने वाली बात है Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe.